हे गाइस, वेलकम बैक। एपिसोड 3 मेगा ड्रॉप टेस्ट। जो लोकेशन मैंने सोची थी वो तो नहीं ले पाया, बिकॉज वहाँ पे व्हीकल्स और DSLR अलाउड नहीं थे, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था जो एपिसोड 2 में। तो इस बार सोचा एक डिफरेंट सरफेस पे करते हैं। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये एक्चुअली रेड स्टोन है, एंड सेम सरफेस यूज़ किएगी बहुत सारे पार्क्स बनाने में। आपने लखनऊ में देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, अम्बेडकर पार्क और जानेश्वर और जो भी हैं, वो सब इसी स्टोन से बने। तो आज हमें डिफरेंट ड्रॉप टेस्ट करना है, और जो फ़ोन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बेसिकली मेरा टारगेट था कि 6000 mAh के जो अच्छे पॉपुलर फ़ोन हैं वो सभी इंक्लूड करें। तो कुछ रिसेंट लॉन्च फ़ोन्स मेरे पास हैं, सबसे लेटेस्ट जो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली वो पोको X3 है, नॉट M2 प्रो। और उसके अलावा मैं कुछ और फ़ोन्स ले रहा हूँ जिसमें अगेन 6000 mAh बैटरी है, लाइक इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, अगर आपके पास यू नो हॉट 10 या नोट 7 है तो सिमिलर हैं, सैमसंग गैलेक्सी M31S, ये भी ड्रॉप टेस्ट में परफेक्टली पास हुआ था इंडोर में। आउटडोर में देखते हैं क्या होता है। और कुछ फ़ोन मेरे पास रह गए थे लाइक रेडमी 9 प्राइम AKA पोको M2, वो भी है। एंड लेट्स जंप इन दी ऑनर ब्रांड ऑल्सो। तो ऑनर 9X मेरे पास है वर्किंग कंडीशन में, एंड एट द लास्ट रियलमी का एक स्मार्टफोन लेना है जिसमें 6000 mAh की बैटरी है, तो वो है रियलमी C15। और लेटेस्ट तो रियलमी के टूट चुके हैं मेरे से, 7 Pro 7 एंड नाजो 20 Pro। तो 6000 mAh कंसिडर करना है तो ये चार फ़ोन है, एंड रेडमी 9 प्राइम में 5000 mAh की बैटरी है, सो आई गेस दैट्स ओके क्योंकि 5000-6000 mAh चलती है, एंड ऑनर में अराउंड 4000 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, डिफरेंट हाइट से फ़ोन को ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन बचता है। फिलहाल 6 फ़ोन हो चुके हैं, लेट्स स्टार्ट। एंड रेडमी 9 प्राइम गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है सो ऑन नहीं हो पा रहा है, बट और सभी फ़ोन वर्किंग है, सैमसंग ऑल द फोन्स। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, एंड वी होप कि सभी फ़ोन फेल हो जाए, लेकिन फाइंड आउट ये करना है कि किस हाइट से फ़ोन फेल होंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले पोको X3 अपना शो का हाईलाइट है जो, राइट, हियर वी गो, 3 2 1। देन Realme C15 perfectly working, काफ़ी bounce कर रहे हैं फ़ोन। Honor 9X, alright, Infinix Smart 4 Plus, ये बैटरी डाउन हो चुकी लेकिन फ़ोन अभी भी working है। Redmi 9 Prime AKA Poco M2 and Samsung Galaxy M31S। एक्चुअली इसमें वाटर डैमेज आ गया था, सो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है। देखिए फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, एंड इस हाइट से आई डोंट थिंक सो कोई फ़ोन फेल होना चाहिए, मोस्टली सभी फ़ोन यहाँ से आपके वर्किंग होंगे। सो सभी फ़ोन्स यहाँ से तो वर्किंग हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रियर साइड, देखते हैं अब क्या होता है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, ओके, हियर वी गो, इसकी भी बैटरी ऑलमोस्ट डाउन है। पोको X3, लेट्स सी, देखते हैं बाद में कौन सा ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी M31S, ऑनर 9X, रियलमी C15 और रेडमी 9 प्राइम की बैटरी खत्म हो चुकी है, सो कांट रियली से। ओके, लेट्स सी कौन सा फ़ोन बचा, कौन सा फ़ोन गया। एंड इस हाइट से ड्रॉप अगर आपका फ़ोन होता है, आई डोंट थिंक सो कोई फ़ोन फेल हुआ है, सभी फ़ोन परफेक्टली ओके। एज यू कैन सी पोको X3 का रियर कैमरा क्रैक हो चुका है, एंड टू टेल यू किसी भी फ़ोन का कैमरा क्रैक नहीं हुआ अभी तक, कैमरा ग्लास एक्चुअली। सो फर्स्ट फेलियर इज़ पोको X3, द ओनली फेलियर इज़ दी पोको X3 जिसका रियर कैमरा टूट चुका है, बाकी किसी फ़ोन का अभी तक नहीं फेल हुआ। सो बेन टेस्ट में भी फेल हुआ एंड बटन्स में भी फेल था, नाउ एट द ड्रॉप टेस्ट फर्स्ट फेलियर इज पोको X3। नाउ स्क्रीन साइज से ड्रॉप करते हैं गाइस, लेट्स सी कि कौन सा फ़ोन ब्रेक होता है। पोको M2, रेडमी 9 प्राइम फर्स्ट फोन, रियलमी C15, हियर वी गो, ओके, आई थिंक इट्स फेल्ड। Samsung Galaxy M31S,
शायद रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ वाटर डैमेज की प्रॉब्लम है। लेट्स सी। ओके पोको एक्स थ्री, ऑनर 9X, परफेक्टली वर्किंग। एंड एट द लास्ट इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। नीचे आ जाओ, लेट्स सी कौन सा फोन फेल हुआ है। इन्फिनिक्स क्रैक्ड, ऑनर क्रैक्ड, पोको X3 सरप्राइजिंगली क्रैक नहीं हुआ है, रियलमी C15 क्रैक्ड, सैमसंग क्रैक्ड एंड क्रैक। ओनली फोन जो अभी तक बचा है इस हाइट से ड्रॉप करने में वो जस्ट पोको X3 है, एंड सभी फोन का डिस्प्ले क्रैक हो चुका है, एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट फोन वर्किंग कंडीशन में अभी तक सभी, इसकी बैटरी डाउन है आई गेस इस फोन की, अदर देन दैट सभी फोन वर्किंग है। लेट्स सी कौन सा फोन ड्रॉप डेड होता है। ये आपका रेडमी 9 प्राइम है और सैमसंग अभी तक वर्किंग है। ऑलराइट, हाइट इंक्रीज करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस, एक ही फोन बचा है, और ये भी रीजन हो सकता है यू नो डिफरेंट फोन्स में, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हैं, तो अगर कंकड़ के ऊपर फोन गिरेगा ऑब्वियसली तो टूट सकता है। स्टिल लेट्स सी इस हाइट से क्या होता है। एंड अराउंड 5 फीट की हाइट से हम फोन को गिराते हैं, तो ये रहा पोको X3। गुड गोइंग, कैमरा लेंस तो ऑलरेडी उसका डैमेज है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, कूल, ये गया। ऑनर के फोन से मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो फेल होगा, बट फेल्ड। एंड ऑनर 9X, हियर वी गो। रियलमी C15 ऑलरेडी क्रैक हो चुका है, लेट्स सी। हाफ डिस्प्ले डेड। रेडमी 9 प्राइम में अभी आपको चार्ज करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। ओके हियर वी गो। ओके हैड द लास्ट सैमसंग गैलेक्सी M31S अभी भी वर्किंग है, फोन रीस्टार्टिंग, लेट्स सी। ऑलराइट 3, 2, 1, नाउ लेट्स सी कि कौन सा फोन वर्किंग है। अभी तो ऑलमोस्ट सभी फोन वर्किंग है, ओनली डिस्प्ले जो डेड हुआ है हाफ वो रियलमी C15 का है, बाकी सभी अभी डिस्प्ले काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट फेलियर यहाँ पे रियलमी ब्रांड का है, विच इज़ वेरी सैड। एंड इसकी बैटरी डाउन है, मैं आपको एट द लास्ट अपडेट करूँगा। सैमसंग में कुछ लिक्विड डैमेज की इशूज़ है इसलिए रीस्टार्ट हो रहा है, बट अभी भी सभी फ़ोन का डिस्प्ले वर्किंग है। हाफ डेड है ओनली रियलमी C15। ऑलराइट लेट्स डू द लास्ट ड्रॉप टेस्ट। ये लास्ट ड्रॉप टेस्ट है, हम स्क्रीन साइड से गिराते हैं कौन सा फ़ोन कम्प्लीटली ड्रॉप डेड होता है। ऑलराइट ये हो गया 3, 2, 1। ओके इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, गुड गोइंग। ऑनर 9X, एक्चुअली ये साइड से गिरा था, सो मैं दोबारा ड्रॉप करता हूँ। रियलमी C15 हाफ डेड। ओके एट द लास्ट सेकेंड लास्ट इज सैमसंग, अभी तक वर्किंग है, बट लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट हियर वी गो। ओके अभी तक का तो जो विनर है डिस्प्ले साइड में वो है पोको X3। आई होप कि ये कंटिन्यू होगा। सो हियर इज द पोको X3, 3, 2, 1। लेट्स रिंग। ओके लेट्स ट्राई पोको X3 क्रैक्ड एंड बट डिस्प्ले वर्किंग, सैमसंग क्रैक्ड डिस्प्ले वर्किंग, एंड रियलमी C15 हाफ क्रैक्ड, आप यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रैक हो रहा है। ओके ऑनर भी डिस्प्ले वर्किंग है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस कम्प्लीटली अनयूजेबल। ओके रेडमी 9 प्राइम आई थिंक सो वर्किंग होना चाहिए, मेरे पास पावर बैंक नहीं है, मैं आपको घर में अपडेट कर दूंगा कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सो या गाइस एक तरीके से देखा जाए
सो कंप्लीट फेलियर फोन दो यहाँ पे हैं, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस एंड रियलमी सी 15, दोनों में 6000 मिलियंस की बैटरी है। और सबसे बेस्ट रिजल्ट में जो फ़ोन है वो यूजेबल कंडीशन में भी है, वो गैलेक्सी M31s एंड पोको X3 है। एंड आई होप रेडमी 9 प्राइम भी वर्क करना चाहिए, बट पोको X3 सरप्राइजिंगली काफ़ी बेटर निकला, एटलीस्ट स्क्रीन साइड से जब हमने ड्रॉप किया था इसको, वेस्ट हाइट से तो वो क्रैक नहीं हुआ, तो दैट इज़ गुड। सो डिस्प्ले के टर्म्स में गोरिल्ला ग्लास 5 थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। सो गाइस, ये था episode 3 ऑफ मेगा ड्रॉप टेस्ट। लेट्स सी फ्यूचर में आप और कौन कौन से फोन इंक्लूड करना चाहते हैं, किसी डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं। फिलहाल तो अभी हम ताज होटल के जस्ट सामने हैं, आई थिंक आप इसको भी देखने अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।